आज हम बनाएंगे चिली पनीर। चिली पनीर बनाने के लिए हमने लिया है आधा किलो पनीर, इसे इस तरह क्यूब में काट कर रखा हुआ है, एक बड़ी शिमला मिर्च इस तरह कटी हुई, एक बड़ा प्याज इस तरह कटा हुआ, दो तीन हरी मिर्च इस तरह काट कर रखी हुई है हमने, आधा कटोरी मैदा, एक कटोरी मक्के का आटा, तेल, दो छोटे चम्मच सोया सॉस, एक बड़ी चम्मच ग्रीन चिली सॉस, एक बड़ा चम्मच हॉट एंड स्वीट सॉस, एक छोटा चम्मच काली मिर्च पाउडर, चार पांच कली लहसुन की इस हमने कद्दूकस कर रखी हुई है, थोड़ा सा अदरक इसे भी कद्दूकस कर लिया है और नमक। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मक्के का आटा, मैदा, इसका घोल बनाकर रख लेते हैं। देखिए हमने घोल लिया है इसे, मक्के के आटे और मैदे को इस तरह इतना गाढ़ा इसे रखना है। अब इसे हम ढककर रख देते हैं साइड में। अब हम ये सभी सॉस को मिला लेते हैं। इस सभी सॉस को मिला लेंगे हम, मिलाकर साइड रख देंगे। गैस ऑन करेंगे, कढ़ाई में तेल डालेंगे, तेल गरम होने देते हैं। देखिए तेल गरम हो चुका है, हम सबसे पहले इसमें प्याज डालेंगे। इन्हें हल्का नरम होने तक हम तल लेंगे और निकाल लेंगे। देखिए प्याज हल्के हल्के हो चुके हैं, अब हम इन्हें प्लेट में निकाल लेते हैं। देखिए प्याज तल के हमने निकाल लिए हैं, अब शिमला मिर्च तल लेते हैं इसमें। शिमला मिर्च को भी इसी तरह हल्का तलना है, ज्यादा शिमला मिर्च नहीं तलनी है, हल्की नरम हो और निकाल लेना है इसे। देखिए शिमला मिर्च भी तल चुकी है, नरम हो गई है शिमला मिर्च, अब हम इसे निकाल लेते हैं। हमने शिमला मिर्च भी तलकर निकाल ली है। अब ये जो बैटर हमने घोल कर रखा हुआ था इसमें हम नमक डालेंगे, नमक स्वाद अनुसार डालिए। थोड़ी सी हल्दी डालेंगे और इसे अच्छी तरह से मिला लेंगे। देखिए हमने इसे अच्छी तरह से मिला लिया है हल्दी और नमक डाल के। अब हम पनीर इसमें डिप करेंगे और पनीर को सुनहरा होने तक तलेंगे। तो पनीर तल चुके हैं, इस तरह सुनहरा होने तक इन्हें तलना है। अब हम इन्हें निकाल लेते हैं प्लेट में। देखिए हमने सभी पनीर तल कर प्लेट में निकाल लिया है। अब हम कढ़ाई का तेल थोड़ा कम कर लेते हैं। देखिए हमने तेल का कम कर लिया है कढ़ाई का, और तेल गर्म भी हो चुका है। अब हम इसमें ये अदरक डालेंगे, लहसुन डालेंगे, इसे थोड़ा एक मिनट भून लेते हैं। अब हम ये हरी मिर्च डाल देते हैं और इसे भी थोड़ा भून लेते हैं। देखिए मिर्च भी भून ली है हमने। अब हम ये शिमला मिर्च और प्याज जो हमने तलकर रखे हुए थे ये डाल देते हैं इसमें। अब हम इसमें नमक डाल देते हैं, नमक स्वाद अनुसार डालिए। इसे अच्छी तरह से मिला लेंगे नमक डाल के। अब हम इसमें ये काली मिर्च डालेंगे और ये सॉस डालेंगे जो हमने सारे सॉस मिक्स करके रखे हुए थे इसे डालेंगे और इसे एक दो मिनट तक हम भून लेंगे। देखिए हमने सॉस डालकर दो मिनट तक इसे भून लिया है। अब हम ये पनीर डाल देते हैं जो हमने तलकर रखे हुए हैं। देखिए हमने अच्छी तरह से इसे मिला लिया है, गैस ऑफ कर देंगे और इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे। देखिए हमने प्लेट में निकाल लिया है, ये चिली पनीर बनकर तैयार है। अब आप इसे गर्मा गर्म सर्व कीजिए। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। थैंक यू।